प्रीवियस वीडियो जो है वो हमारी यहाँ पर स्टॉप हो गई थी ड्यू टू नेटवर्क इशू या कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। केस टू है हमारा, वो 6 मिनट की वीडियो बनी है जिसमें हमने प्रमोटर्स को डिबेंचर इशू करना सीखा था। सीख हम ये भी रहे थे अंडर राइटर्स को डिबेंचर इशू करना, लेकिन वीडियो रुक गई थी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलिए आज की वीडियो में ये सीख लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडर राइटर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अंडर राइटर समझाया था, अगर आपने पूरी वीडियो नहीं चेक की है तो आप जाके उसको चेक कीजिए, जो प्रीवियस पार्ट है उसमें अंडर राइटर्स का मीनिंग पूरा क्लियर किया है मैंने कि ये जो अंडर राइटर्स होते हैं ये फिर पूरा जितना रिमेनिंग डिबेंचर बचते हैं वो ये ले लेते हैं खुद से। तो अंडर राइटर्स जो होते हैं जब वो सेल करेंगे तो उनको कुछ कमीशन भी दिया जाता है अंडर राइटर्स को, तो उसके लिए हम क्या एंट्री बनाते हैं, तो लिखिए अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। ये वो अंडर राइटर्स लोग हैं जिनको हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, क्लियर है? ठीक, जितने भी डिबेंचर्स हैं उनको आप रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आगे सेकेंड एंट्री बनती है इसमें, इनको डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, जो भी आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं इनको वो आप डिबेंचर्स इशू कर देंगे। तो दो एंट्री बनेंगी, ये चीज़ याद रखिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा आपका। अब इसमें बढ़ते हैं केस 3 की तरफ, जब हम क्या करते हैं डिबेंचर इशू करते हैं वेंडर को, किसको? वेंडर को, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। वेंडर कौन होता है? सेलर होता है, जिससे आपने कोई सामान खरीदा होगा या बिजनेस खरीदा होगा। तो इसमें दो चीज़ हो सकती हैं, देखिए, या तो फर्स्ट आप एसेट परचेज करते हैं, और अगर आप एसेट परचेज कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी? देखो बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट, समझते हुए चलेंगे तो इजी लगेगा, नहीं समझते हुए चलेंगे मस्ती मजाक करेंगे तो ये भी टफ बन जाएगा। तो एसेट परचेज करेंगे तो व्हाट कम्स इन? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जो भी आपका वेंडर है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब अगर आपने एसेट परचेज किया तो ये एंट्री बनेगी, लेकिन और करके लिख देती हूँ, या तो एसेट परचेज करेंगे या बिजनेस परचेज करेंगे। अगर आपने बिजनेस परचेज किया है तो क्या एंट्री बनेगी? बिजनेस परचेज करते हैं तो बिजनेस की सारी एसेट्स हमारी हो जाएंगी, बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज हमारी हो जाएंगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, बीच में एक लाइन का गैप करेंगे हम, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, और जो हम ये सन्ड्री लाइबिलिटीज है ये भी हमारी हो जाएंगी। कुछ हमने वेंडर से पैसे दे के खरीदा होगा तो वेंडर यहाँ पर लिख देंगे, जो कि हमारा परचेज कंसिडरेशन वाली अमाउंट होती है। अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, इनकेस डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो आप यहाँ पर कैपिटल रिजर्व लिख दीजिए, ये तो मैंने लाइन छोड़ी उसमें लिख देना आप, ठीक है? कैपिटल रिजर्व जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो गुडविल लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया? डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना होगा क्लियरली। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है? ठीक, चलिए, तो ये हो गया एसेट परचेज, ये हो गया बिजनेस परचेज जब आपने किया। अब जो वेंडर था, वेंडर को आप क्या करेंगे? डिबेंचर इशू करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से बताइए, एंट्री क्या बनेगी? वेंडर डेबिट 2% डिबेंचर्स, ठीक है? अगर आपने पार पर इशू किया है, किस पे किया है? एट पार, ये यहां पर नहीं लिखना है, ये तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में। और अगर आपने प्रीमियम पर किया है तो क्या एंट्री बनेगी, जल्दी से बताइए? वेंडर डेबिट 2% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, समझ आया इतना? ठीक है, ये रिजर्व है आपका। और अगर आपने डिस्काउंट पर किया, इन तीनों में से कोई एक एंट्री बनेगी। क्यों एक एंट्री बनेगी? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, या तो पार पर होगा, प्रीम पर होगा, या डिस्काउंट पर होगा। और अगर डिस्काउंट पर करेंगे तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर्स। इतनी चीज समझ में आई है? ये हो गई हमारी इशू करने की एंट्रीज। अब यहाँ पर क्या है, तो पार पर डिबेंचर इशू होंगे या प्रीमियम पर डिबेंचर इशू होंगे,
या आपके डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू होंगे। इतनी चीज आपको ध्यान में रखना है। और किस चीज पर इशू हो रहा है तो फिर आप उसको बहुत अच्छे से एंट्री बनाकर फॉर्मेट वाइज करेंगे। इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना होगा आपको। क्या वर्किंग नोट बनाएंगे आप? कि जो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइन करने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो आप फाइन करेंगे उसके लिए क्या करना है आपको, जितना भी आपका परचेज कंसिडरेशन अमाउंट था, यानी कि वेंडर वाली जो अमाउंट थी, है ना, जितना आप उसको दे रहे हैं, या तो 10 लाख 12 लाख जो भी है, उसको डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस से। इशू प्राइस, व्हाट इशू प्राइस? इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, यानी कि अगर आप पार पर इशू कर रहे हैं तो 100 रुपीज जितने का है वो, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम ऐड करके, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट लेस करके। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर मैंने जो थोड़ा सा तेज तेज बोला है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का मैं बहुत धीरे धीरे बोलकर समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो में आपने देखा, प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था प्रमोटर्स को डिबेंचर इशू करना, आज की वीडियो में हमने अंडरराइटर को डिबेंचर इशू करना सीखा है और वेंडर को इशू करना सीखा है। वेंडर से हम ऐसे भी परचेज कर सकते हैं, बिजनेस भी, दोनों में से कोई एक एंट्री बनेगी। क्लियर है इतनी बात? याद रखिएगा यहाँ पर तीन एंट्री है, तीनों में से कोई एक बनेगी, क्योंकि या तो पार पर इशू होगा, प्रीमियम पर, या फिर डिस्काउंट पर। और पार पर तो सेम ही वैल्यू रहेगी, देखो डेबिट क्रेडिट में, लेकिन इसमें अलग आएगी। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से होगा और बाकी आप इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो भी 6 मिनट की थी, आज की वीडियो भी 6 मिनट की है, तो इसमें आप दोनों में समझिए कि हमने ये कंसीडरेशन अदर देन कैश सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, अ बिग थैंक यू फॉर माय बॉटम माय हार्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन ऑल द बेस्ट।